हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूर्वा। वेलकम बैक टू अवर चैनल हर्ष सोलंकी रिएक्ट्स। और गाइस, कुछ दिन से हम जैसे ओल्ड मूवीज़ का बना रहे, क्योंकि हमको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है पुराने, मतलब पहले क्या क्या करा था एक्टर्स ने, कौन कौन सी मूवीज़ की थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और आज जो मूवी मैं देखने वाली हूँ वो मैंने एक्चुअली देखी हुई है, नागार्जुन सर की है। और काफ़ी टाइम तक से हमने उनकी मूवी नहीं देखी है, और आज हम उनका ट्रेलर देखेंगे भाई मूवी का। तेलुगू में भी शायद भाई नाम होगा इस मूवी का। एंड ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मैंने देखी थी। एंड काफ़ी आखिरी में इमोशनल भी थी बीच में, पर अच्छी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सो आज हम उसी का ट्रेलर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस मूवी एंट्री काफी खतरनाक रहती है नागार्जुन की। నేను చంపాలనుకుంటే बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। ఎదురుగా ఎనిమీ ఉంటే చాలు। గెలుపున గెస్ట్ గాదరా ఎప్పుడో సార్ రానికి అది నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు వస్తది। Sorry, entry delay. बीच बीच में काफी कॉमेडी भी है। प्रीपेड सेलेक्ट చేసుకున్నారు అనుకోండి, మీ రేంజ్ ఏంటి, మీ తాకత్ ఏంటి, మిమ్మల్ని ఎంత కొట్టాలో అంతే కొడతా। మరి పోస్ట్ పేడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మాఫియా కి గ్రామర్ నేర్పింది నేనే, గ్లామర్ తెచ్చింది నేనే। బాయ్, ఇక్కడ ఎవరికి వాడు ట్రెండ్ సెట్ చేశామన్న భ్రమలో ఉన్నారు। అసలు ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసిందే నువ్వు కదా బాయ్। स्टॉप। काफ़ी हैंडसम एक्टर है, और मूवी मतलब जैसे ना इसको एक्शन देखने का मतलब मन होता होगा ना, तो ये मूवी बिल्कुल देखेगा। एक्शन मूवी है, और सच में मैंने बचपन में देखा था, काफ़ी कुछ मुझे याद आ रहा है इस मूवी के बारे में। एंड इस मूवी में एक्चुअली ये लोग ना अपने भाई जो रहते हैं इनको निकाल दिया जाता है शायद बचपन में घर से, या कुछ भी होता है मैटर, तो ये अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहते हैं। और फिर एक काफ़ी बड़े होने के बाद वो अपनी बहन से मिलते हैं, थोड़ा सा इमोशनल भी होता है बीच बीच में, और सीन भी आता है। हीरोइन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी ब्यूटीफुल लगती है इस मूवी में। एंड इस मूवी में शायद एक और एक्ट्रेस रहती है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन एक और रहती है इसमें, गौर सरनेम उनका आई थिंक, तो वो उसमें थोड़ा सा रोल रहता है। बाकी इसमें मेन रोल एक्ट्रेस मतलब मेन रोल जिसका है वो एक्ट्रेस का नाम है रिचा। एंड ये मूवी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, इसमें नागार्जुन भी काफ़ी यंग लग रहे हैं, तो आप उसी से गैस कर सकते हो कि कितनी पुरानी मूवी है। एंड इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आखिरी में जब वो उनकी फैमिली से मिलने की कोशिश करते हैं, सो डायरेक्ट तो मिल नहीं पाते हैं, तो वो बताते हैं कि हम शादियां करवाते हैं टेंपल टाइम्स नाम से, बताते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी बहन की शादी वो खुद कराते हैं। उनके फादर को भी रियलाइज़ हो जाता है कि ये बेटा है, मतलब सब कुछ फादर या चाचा जो भी उनके वो रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भूल रही हूँ, बाकी बहुत अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। जिसने नहीं देखी वो भी इस मूवी को देखो अगर अवेलेबल हो यूट्यूब पर। एंड नागार्जुन की सर की जो मतलब जर्नी है मूवीज़ में बहुत लंबी है। अगर ये मूवी ये रिएक्शन में इसलिए बनाया क्योंकि मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बाकी आप लोग उनके रिएक्शन और देखना चाहते हैं कि नहीं वो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लोग गैस बोलेंगे तो ही मैं उनकी आगे बना पाऊँगी। इन शॉर्ट अगर कोई नहीं देखेगा तो मैं कैसे बना सकती हूँ। सो पर्सनली मैं तो फ़ैन हूँ, लेकिन आप हो कि नहीं प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें। एंड मुझे तो उनकी मतलब मोस्टली मैंने दो चार मूवियाँ देखी है, ज़्यादा नहीं देखी,
क्योंकि बहुत सारी तेलुगु में जो हिंदी में डब्ड होके आती है वही हमें देखने को मिलती है। जैसे हमने बचपन में उनकी डॉन नंबर वन देखी थी, सूर्या देखी थी, और कौन सी मनम मूवी देखी थी, उसका हिंदी में दयालु नाम से डब्ड थी। सो काफ़ी मतलब मज़ा आता था उनकी मूवी में। गुंडे उंडे तो बहुत ज़्यादा रहते थे शुरू से ही, एंड अभी अब जैसे जैसे ना इंसान मतलब एज होती जाती है, मतलब वो पहले से ज़्यादा और अच्छे लगते जा रहे हैं, मतलब ये मैंने नोट करा। एंड आज की वीडियो में गाइज इतना ही कह पाऊँगी, और आगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको उनका नेक्स्ट ट्रेलर कौन सा देखना है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।